दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SS डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपकी एक्टिविटी होती है, जो कि आप इंटरनेट से रिलेटेड आप अपने फ़ोन के अंदर आपने क्या एक्टिविटी की है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हो, उन एक्टिविटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं और उस एक्टिविटी को आप किस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप देखेंगे, ये मेरा जो ईमेल एड्रेस है, अभी मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है, और इस ईमेल एड्रेस को मैंने अपने फ़ोन और इसके अलावा जो भी मेरे डिवाइस हैं उनके अंदर मैंने इनको जो साइन इन किया हुआ है, तो उन उन डिवाइस की हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी है, तो अगर अभी मैं यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये मेरा क्रोम ओपन है, इसमें मैंने जीमेल पे साइन इन किया हुआ है, अगर मैं क्रोम की हिस्ट्री चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे जो ट्रिपल डॉट होते हैं, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भी मेरी हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि ये हिस्ट्री जो है ये तो मेरे लोकल, ये जो लैपटॉप है मेरा, इसकी हिस्ट्री है कि इसमें मैंने क्या क्या इसमें एप्लीकेशन मैंने ओपन किए हैं, और कौन कौन से मैंने ब्राउज़र के अंदर जाके कौन कौन से वेब पेज मैंने इसमें ओपन किए हैं। तो इस हिस्ट्री को मैं चाहूँ तो यहाँ से जो है क्लियर हिस्ट्री करके, अगर मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, या एक एक सिंगल सिंगल हिस्ट्री भी आप हटाना चाहते हैं, जैसे आप पर्टिकुलर ये एक आपका सिंगल है, इसमें कुछ सेलेक्टेड है, अगर आप जैसे कुछ चाहते हैं कि इसमें से पर्टिकुलर कोई सेलेक्टेड है, इन इनको ही आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जो सेलेक्टेड पे आप करेंगे डिलीट, और जैसे आप रिमूव करेंगे तो जो सेलेक्टेड आपने जो किए हैं वेब पेज जिन पे आपने चेक किया है वो ही डिलीट होंगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो यहाँ से भी आप जो है पूरा जितने भी हैं, देखिए यहाँ पे होता है कि लास्ट आवर आप 1 घंटे की करना चाहते हैं, या लास्ट 24 आवर की, या लास्ट 7 डेज की, या लास्ट 4 वीक डेज की, या ऑल टाइम। तो इस तरह से आप जो है ना यहाँ से सारी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। बट अभी मैं कोई हिस्ट्री क्लियर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपको आपकी अपनी एक्टिविटी चेक करनी है, तो एक्टिविटी जो होती है ये तो अभी हिस्ट्री अपन चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर आपका जो ब्राउज़र है उसमें आपने कौन कौन से वेब पेज ओपन किए हैं, उन सब की हिस्ट्री है। अब आपको अपने डिवाइस की हिस्ट्री चेक करनी है कि आपके डिवाइस में जो है क्या एक्टिविटी आपने की है, तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे जो ये डॉट डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अकाउंट। तो जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, और इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डाटा एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर होता है सबसे फर्स्ट नंबर पे वेब एंड ऐप एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगर आप जब चेक करेंगे कि अगर ये ऑफ है तो आप इसे ऑन कर दें, लोकेशन हिस्ट्री भी है अगर ऑफ रहती है तो उसे भी आप ऑन कर सकते हैं, और यूट्यूब की हिस्ट्री है वो भी आप यहाँ से तीनों ऑप्शन आप चेक कर लें कि अगर ऑफ है तो आप इनको ऑन कर दें। और जैसे ही देखिए ये मेरे तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऑन किए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें अगर इसके अलावा एक सेटिंग और होती है इसके अंदर, यहाँ पे इंक्लूड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तो अगर मैं इस पे चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब जो मेरा ईमेल एड्रेस है, अब इसमें जो होता है कि इसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ये, कि इसमें जब मैं कर देता हूँ आई एग्री, और जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आई एग्री कर देता हूँ, तो कभी कभी आपने देखा होगा गूगल के अंदर अपन सर्च करते हैं वॉइस के अकॉर्डिंग डाटा, जैसे कि आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग डाटा सर्च करते हैं या कुछ भी अपने वेब पेज ओपन करते हैं वॉइस के थ्रू, तो इस तरह की जो वॉइस होती है उसको ही यहाँ पे अपने सर्वर पे जो इसका जो स्पेस है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे आपका ये डाटा सेव होता है। तो मैं अभी इसे कर देता हूँ नो थैंक्स, और वापस आ जाता हूँ मैं अपनी एक्टिविटी के अंदर बैक। और अब आप देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपके होगा एक्टिविटी एंड टाइमलाइन, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं माय एक्टिविटी, तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे
और क्लिक करने के बाद में देखिए ये होता है माय गूगल एक्टिविटी। अब इसमें मैंने जो है मेरा वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन और यूट्यूब हिस्ट्री। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं अभी चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाता है कि सर्च आपकी जो पूरी हिस्ट्री है, जब यहाँ पे देखेंगे V34 मोर आइटम्स, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे होता है टुडे, यानी आज की जो हिस्ट्री इसमें आ जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइमिंग, किस टाइम पे आपने क्या यूज़ किया है, वो इस तरह से जो है पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है कि आपने गूगल मैप पे गए हैं या जो भी आपने सर्च किया है। इसके अलावा जितनी भी जो रिलेटेड होती है, ये देखिए टाइम भी इसमें शो हो जाता है। अगर आप यह डिटेल में चेक करते हैं, तो डिटेल के अंदर चेक करेंगे कि आपने जो यह है एंड्रॉयड, यानी कि आपने जो है ये एक्टिविटी आपकी हुई है एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उसके अंदर आप देखिए कौन सा डिवाइस था, उस डिवाइस का ये मॉडल नंबर यहाँ पे शो करता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो भी चीज़ है, अगर ये एंड्रॉयड जो भी होता है, एंड्रॉयड से मीन होता है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस होता है उनसे मीनिंग है कि एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर टेबलेट भी हो सकता है और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए दूसरी जो और भी चीज़ होती है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो डिटेल्स में जाके ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड, यानी ये कि सारी मोबाइल के अंदर ये चीज़ यूज़ की हुई है। अब इसके अलावा इसका डिटेल में चेक करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे ये विंडोज़ आ गया। विंडोज़ से मीनिंग होता है कि ये आपका जो है डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे सर्च किया गया है डाटा। तो इस तरह से जो है आप अपने डिवाइस में जाके और उसमें एक्टिविटी के अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन की और अपने डेस्कटॉप की और लैपटॉप की और इसके अलावा जो जितने भी डिवाइस के अंदर जो ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस आपने साइन इन किया हुआ है, तो उन सब की हिस्ट्री और एक्टिविटी ऐप से रिलेटेड, अगर जैसे आपने मान लीजिए उसके अंदर कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया है या कोई आपने ऐप इंस्टॉल किया है या उसको अनइंस्टॉल किया है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। अब जैसे आप चेक करेंगे कि देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर है, अगर मैं इस पे करता हूँ व्यू मोर पे, तो ये देखिए टाइमिंग यहाँ पे शो हो जाती है कि किस टाइम पे आपने अपने व्हाट्सएप चलाया है और चलाने की टाइमिंग क्या है। ये देखिए एंड्रॉयड मेरा डिवाइस है और डिवाइस के साथ में उसका मॉडल नंबर क्या है, वो सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपने यहाँ पे वेब एंड ऐप जो होती है एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे होता है लोकेशन हिस्ट्री। तो लोकेशन हिस्ट्री में जो होता है, इसकी हिस्ट्री के लिए आपको क्या होता है कि लोकेशन से मीनिंग ये है कि अगर इस ईमेल एड्रेस पे आपने जो डिवाइस पे साइन इन किया हुआ है, वो डिवाइस आपका कहाँ कहाँ पे मूवमेंट आपने किया है, वो सारी की सारी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे जो मेरी हिस्ट्री जो शो कर रहा है, ये देखिए अगर मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने किया जैसे 2020, और इसमें मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए अब इस तरह से जो है अगर आपको ये चार्ट देखना है पर्टिकुलर, अगर डेट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि जैसे 1 जनवरी मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरी पूरी की पूरी जो डिटेल यहाँ पे इस तरह से शो हो जाती है कि आपका जो ये डाटा एक तरह की समरी जनरेट हो जाती है इसके अंदर। तो इस तरह से भी आप अपने टाइमलाइन को जो है चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक कितना ट्रेवल किया है। तो ये ईयर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं आप, और पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से भी और डे के हिसाब से भी। अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने बैक। और अब इसके अलावा होता है YouTube हिस्ट्री। तो जब इस पे करेंगे आप मैनेज एक्टिविटी पे, तो ये मेरी जो भी होगा जितना YouTube से रिलेटेड, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि YouTube पे आपने क्या क्या सर्च किया है और क्या क्या नहीं किया है, वो सारी की सारी ये YouTube से रिलेटेड ही आपका डाटा शो करेगा, इसके अलावा वो डाटा शो नहीं करेगा। और इसमें भी फिर क्या होता है कि फिल्टर बाय डेट, अगर आप जिस इसमें क्लिक करते हैं तो डेट के अकॉर्डिंग आप इसमें फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी डेट से
जैसे कि आफ्टर एंड बिफोर। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी डेट के से लेके, और आफ्टर और बिफोर यहाँ पे दो डेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बीच में अगर आपने देखेंगे टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, 30 डेज। अगर मैं करता हूँ लास्ट 7 डेज और मैंने किया अप्लाई, तो ये क्या करेगा कि आपने लास्ट 7 डेज के अंदर यूट्यूब पे आपने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या नहीं किया है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अब मैं वापस आ जाता हूँ बैक। और वापस मैं अपने आ जाता हूँ माई एक्टिविटी के अंदर। और अब माई एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पे अगर देखें, अगर आपको टोटल सारी की सारी हिस्ट्री चेक करनी है, और अगर यहाँ पे आप जैसे फिल्टर बाई डेट एंड प्रोडक्ट जो होता है इसमें, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है। अब इसके अंदर देखिए अलग अलग तरह की गूगल की अपनी सर्विसेज होती हैं। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एड्स हैं, या एंड्रॉयड है, असिस्टेंट है, बुक्स है, क्रोम है, डेवलपर है, और डिस्कवर, जीमेल, इस तरह से जो अलग अलग काफी ऑप्शन है। अब आपको अगर ये सर्च करना है कि आपने गूगल के अंदर क्या क्या सर्च किया है, तो पर्टिकुलर वही वर्ड, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल सर्च पे, अब जैसे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ ओनली गूगल सर्च, जैसे मैंने सर्च पे किया और अप्लाई मैं करता हूँ, तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा, केवल वही हिस्ट्री शो करेगा कि आपने गूगल के अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे सर्च की है। अगर जैसे मान लीजिए मैं अभी गूगल पे यहाँ पे जैसे मैंने होम पेज ओपन किया, और यहाँ पे मैं करता हूँ SS डिजिटल इंडिया, ये मैंने अभी सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। और अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए अभी मैंने क्या किया, जो मेरा टाइम था मैंने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद में मैंने क्या सर्च किया, वो कंटेंट यहां पे शो हो गया कि मैंने सर्च किया SS डिजिटल इंडिया। और जब मैं इस पे डिटेल पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया इसका जो टुडे का टाइमिंग आ गया, और आपने क्या किया सर्च किया, और सर्च करने पर यहाँ पे आ गया अननोन डिवाइस। ठीक है, अभी इसने डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं किया, बट ये कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे आ जाएगा विंडोज। तो इस तरह से जो है, अगर आप इसके अलावा कोई और वर्ड भी आप सर्च करते हैं, तो यहाँ से आप जो है फिल्टर करके अलग अलग आपकी एक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं। और जो भी आपको चेक करना है, तो गूगल की जितनी भी सर्विसेज होती है, यहाँ से आप जिस जिसको सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप इजी वे में यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज होती है दोस्तों, आप गूगल के अंदर जाके अपनी आप माई एक्टिविटी आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस की और विंडोज पीसी की चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।